हम सभी मेरिट के अभ्यर्थियों ने तय किया है कि हम सामूहिक रूप से भूख हड़ताल पर जाएंगे, और अगर सरकार हमें भूख हड़ताल की इजाज़त नहीं देगी तो विधानसभा सत्र के दौरान हम सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे, और कोई करे या नहीं करे, अनिल तो आत्मदाह जरूर करेगा। हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। हम ये मांग रहे हैं कि सरकार विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तित ना करे। सरकार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति ले, एसटीईटी मार्क्स के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति ले, एकेडमिक बेसिस पर शिक्षकों की बहाली ना करे। ग्यारह दिनों से तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है, और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ अनिल है, अनिल से बात करेंगे। अनिल जी, 11 दिन से बैठे हुए हैं, कब तक ऐसे ही बैठे रहिएगा? गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, हम 11 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार ने कोई हमसे बातचीत नहीं किया है, सरकार हमें नकार रही है। हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। हम ये मांग रहे हैं कि सरकार विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तित ना करे। सरकार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति ले, एसटीईटी मार्क्स के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति ले, एकेडमिक बेसिस पर शिक्षकों की बहाली ना करे। अगर एक पानी पिलाने वाला चपरासी की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होती है महोदय, तो बताएं, शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माता होता है, जो डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करता है, पत्रकार पैदा करता है, अधिकारी पैदा करता है, नेता पैदा करता है, वो अनपढ़, जाहिल और बददिमाग मानसिक रूप से विकलांग कैसे हो सकता है? हम यही मेरा सवाल है, और इसीलिए हम सभी मेरिट के अभ्यर्थियों ने यह तय किया है कि हम सामूहिक रूप से भूख हड़ताल पर जाएंगे, और अगर सरकार हमें भूख हड़ताल की इजाज़त नहीं देगी तो विधानसभा सत्र के दौरान हम सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे, और कोई करे या नहीं करे, अनिल तो आत्मदाह जरूर करेगा। बस अगर ये सरकार को यही है, फिर चमकाते रहना चेहरा यहाँ से दिल्ली तक कि आपके गलत नीतियों के खिलाफ, आपके गलत नीतियों के कारण एक नौजवान पट्टा की सड़कों पर अपने आप को आग लगा ले रहे हैं। अनिल जी, पहले भी आपने ऐसा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गिरफ्तार कर लिया। पहला मैंने इसलिए किया था क्योंकि सरकार के गलत नीति का मैं विरोध कर रहा था। मैं इस बार 11 दिन तक आज धरना दिया ना भाई, अभी आगे भी दूंगा, 5-7 दिन और दूंगा, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो मैं एकदम दावे ठोक के कह रहा हूँ कि कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया है जो आत्मदाह से हमें रोक सकता है। पटना की सड़कों पर अपने आप को आग लगा लूँगा, और ये सरकार को हमारी चुनौती है। नहीं बात करना है, ना बात करे, इस मुद्दे पर कोई बात ना करे, लेकिन हमें आत्मदाह करने की इजाज़त दे सरकार। बस तो हम अभी कुछ दिन और इंतज़ार कर लेंगे, इतना जब सितम सहा है हमने तो कुछ और सितम सह लेंगे, लेकिन सामूहिक रूप से हम आत्मदाह करेंगे, और वो हम बता दे रहे हैं, विधानसभा सत्र शुरू होगा उसी दिन आत्मदाह करेंगे। अनिल जी, आत्मदाह करने से क्या हल निकल जाएगा, क्या बहाली हो जाएगी? क्या करें बताएं ना। सरकार अगर असंवैधानिक काम कर रही है, सरकार गेल गुजरा काम कर रही है, सरकार निम्न स्तर का काम कर रही है, सरकार कानून को हाथ में ले रही है, तो क्या करूं मैं? शहीद आजम बन जाऊं? फेंक दूं बॉम्ब असेंबली में? बोलिए ना, क्या करूं? फेंक दूं बॉम्ब असेंबली में? नहीं कर सकता, क्योंकि संवैधानिक आदमी हूं मैं, संविधान का पालन करने वाला हूं। तो हमारे सामने क्या विकल्प रह जाता है? दो ही विकल्प रह जाता है, या तो मैं हिंसा का रास्ता चुनूं, या अपने आप को आत्मदाह करके ख़त्म कर लूं। ना रहूंगा और ना देखूंगा इस सरकार के कुरीतियों को, गलत नीतियों को। इसीलिए हमने तय किया है कि सरकार का जो ये षड्यंत्र है कि अनपढ़, जाहिल और बददिमाग को जो शिक्षक बनाना चाहती है, मानसिक रूप से विकलांग नॉट मेरिट को शिक्षक बनाना चाहती है, सरकार इस पर पुनर्विचार करे। हम मानसिक रूप से विकलांग लोगों को, अनपढ़, जाहिल और बददिमाग लोगों को नॉट मेरिट को हम शिक्षक नहीं बनने देंगे। सरकार को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी, वरना हम आत्मदाह करेंगे, भूख हड़ताल पर जाएंगे, और कोई हमें नहीं रोक सकता। तो आपने सुना है, एसटीईटी मेरिटधारी अभ्यर्थी अनिल थे। 11 दिन से लगातार एसटीईटी के तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, और साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी बहाली जो है वो जल्द से जल्द करे सरकार। क्या कुछ करते हैं अनिल, आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।